And students, I welcome you all to my channel, the Physics Feed. आज अपन इस वीडियो में टू ब्लॉक सिस्टम इन फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें एक और एक दो ब्लॉक, आप देख रहे हैं दो ब्लॉक, जब एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा रहता है तो इसे ही टू ब्लॉक सिस्टम कहा जाता है। होने में तो तीन ब्लॉक यानी कि थ्री ब्लॉक सिस्टम, फोर ब्लॉक सिस्टम भी हो सकता है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो मतलब मेडिकल और जेई दोनों की प्रिपरेशन के लिए टू ब्लॉक सिस्टम तक ही सिलेबस में है, तो आज अपन इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अब आप देखिए, यहाँ पे जैसा कि मैंने यहाँ पे दो ब्लॉक बना रखे हैं ए एंड बी, और ये ग्राउंड के ऊपर प्लेस्ड हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो सकता है कि हो सकता है ब्लॉक ए पे आगे की तरफ कुछ एफ फोर्स लग रहा हो, या हो सकता है कि ए पे फोर्स ना लग रहा हो और किस पे लग रहा हो, बी के ऊपर फोर्स लग रहा हो, ठीक है ना। मतलब दोनों में से एक होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों पे फोर्स लग रहे होंगे, या तो इस पे लगेगा तो इस पे नहीं लगेगा, और अगर इस पे नहीं लगेगा तो इस पे लगेगा, दोनों में से ऐसी एक बात होगी यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात। अब इसके अलावा ए और बी ब्लॉक के बीच में डेफिनेटली कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ म्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन ग्राउंड और ब्लॉक बी के बीच में या तो कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन ज़ीरो हो सकता है, या फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन होगा ही होगा। अब एक और ख़ास बात, अगर कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन केवल म्यू लिखा हुआ है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है, अगर सिर्फ म्यू लिखा है तो यही म्यू एस का भी काम करेगा और यही म्यू के का भी काम करेगा। अदरवाइज़ आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे म्यू एस और म्यू के दोनों इंडिविजुअली, हो सकता है यहाँ पे आपको म्यू एस और म्यू के दोनों गिवन दिया जाए, है ना, और या फिर हो सकता है सिर्फ म्यू दिया जाए। तो अगर सिर्फ म्यू दिया जाएगा तो उसका मतलब होगा म्यू एस और म्यू के दोनों ही वही है, आई बात समझ में। और एक और बात क्या बताई मैंने, ए और बी के बीच में यहाँ पे तो फ्रिक्शन, कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन होगा ही होगा, लेकिन ये जो जगह है ग्राउंड, तो बी और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन, कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन ज़ीरो भी हो सकता है या नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकता है। इक्वल टू ज़ीरो का मतलब होता है कि जो सरफेस है वो कैसा है, स्मूथ, और नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब जो सरफेस है वो कैसा है, रफ। और फोर्स के बारे में मैंने क्या बात बताई, या तो फोर्स यहाँ होगा तो यहाँ वाला फोर्स नहीं होगा, अदरवाइज यहाँ पे फोर्स होगा तो ये वाला फोर्स नहीं होगा, मतलब दोनों में से किसी एक जगह पे फोर्स होगा। बहुत बेसिक सी बात बताई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ना चाहते हैं और अपन जानना चाहते हैं कुछ कंडीशंस, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि हम जब टू ब्लॉक सिस्टम पढ़ते हैं तो इसमें दो में से एक बात होती है, या तो दोनों के दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे तो हम बोलते हैं कि ये मूविंग टुगेदर का केस है, या फिर दोनों के दोनों जो ब्लॉक हैं वो सेपरेटली मूव करते हैं, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई सी एक बात यहाँ पे होगी। तो हम क्या करेंगे, हम जब इस टू ब्लॉक सिस्टम को पढ़ेंगे या समझेंगे तो हम जो भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा सॉल्व करने का, तो हमारी बैक ऑफ द माइंड क्या थिंकिंग रहती है कि हम दोनों के दोनों ब्लॉक को साथ में चलाने के लिए सारी की सारी कैलकुलेशन करेंगे, या कैलकुलेशन ना बोलूँ तो प्रोसेस, हम जो भी कैलकुलेशन या प्रोसेस करेंगे टू ब्लॉक सिस्टम में वो दोनों ब्लॉक को साथ में चलाने के लिए करेंगे। और अगर हम अपनी कैलकुलेशन में या अपने प्रोसेस में हम दोनों ब्लॉक को साथ नहीं चला पा रहे हैं, मान लो हम उसको साथ में नहीं चला पा रहे हैं, तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि वो ब्लॉक कैसे मूव कर रहे हैं, सेपरेटली मूव कर रहे हैं। बहुत ईजी सा स्टेटमेंट बोला है मैंने, टू ब्लॉक सिस्टम में हमारी कोशिश ये होगी कि हम दोनों ब्लॉक को साथ में चल पा पाएँ, लेकिन अगर हम हमारे प्रोसेस में या कैलकुलेशन में दोनों ब्लॉक को साथ में नहीं चलवा पा रहे हैं तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि ब्लॉक्स आर मूविंग सेपरेटली, बस इतनी सी कहानी है। अब हम वन बाय वन यहाँ पे कंडीशन देखते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन दोनों ब्लॉक को साथ में चलाने की ये होती है कि जो पूरे के पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा
वही एक्सेलरेशन ब्लॉक ए का भी होना चाहिए और वही एक्सेलरेशन ब्लॉक बी का भी होना चाहिए। और अगर हम सेपरेटली मूव कर रहे हैं तो जो सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ना तो ब्लॉक ए का होगा और ना ही ब्लॉक बी का होगा। या फिर हम इस बात को और अच्छे से कह सकते हैं कि जो सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा, हो सकता है कि वो ब्लॉक ए के एक्सेलरेशन के बराबर आ जाए, पर डेफिनेटली वो ब्लॉक बी के एक्सेलरेशन के बराबर तो नहीं आएगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है, हो सकता है कि वो बी ब्लॉक के एक्सेलरेशन के बराबर आ जाए, पर वो ए ब्लॉक के एक्सेलरेशन के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो बात मैंने बताई है आपको, एक तो मूविंग सेपरेटली के लिए ये तीन बात हो गई और मूविंग टुगेदर के लिए ये बात हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, वो प्रॉपर्टी क्या है या कंडीशन क्या है कि जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स होगा अगर वो छोटा होता है अवेलेबल फ्रिक्शन से, ठीक है। अभी ये अवेलेबल फ्रिक्शन या रिक्वायर्ड फ्रिक्शन क्या है, अपन अभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर ऐसा कंडीशन होती है ना, अगर एफ रिक्वायर्ड एफ अवेलेबल से छोटा होता है तो ये मूविंग टुगेदर का केस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखें, अगर जो एफ रिक्वायर्ड है अगर वो ग्रेटर देन हो गया एफ अवेलेबल से, तो ये किसका कंडीशन बनेगा, मूविंग सेपरेटली वाला कंडीशन यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, कि ये जो एफ रिक्वायर्ड है, देखिए मैं अगर स्मॉल एफ लिख रहा हूँ तो इसका मतलब होता है फ्रिक्शन फोर्स। क्या है इसका मतलब, फ्रिक्शन फोर्स। और अगर मैं कैपिटल एफ लिखूँगा तो इसका मतलब हो जाएगा अप्लाइड फोर्स। ये वाली बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी मैंने छोटा वाला एफ लिखा है, यहाँ भी स्मॉल एफ, यहाँ भी स्मॉल एफ और यहाँ भी स्मॉल एफ, यानी कि ये भी फ्रिक्शन 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 फ्रिक्शन, ठीक है भाई। तो देखो अब यहाँ पे रिक्वायर्ड फ्रिक्शन का क्या मीनिंग है, यहाँ पे ये मीनिंग है, मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि हम इस पूरे टू ब्लॉक सिस्टम के प्रोसेस को या कैलकुलेशन को ये मान के सॉल्व करेंगे कि ब्लॉक्स कैसे मूव कर रहे हैं टुगेदर। तो इन दोनों के दोनों ब्लॉक्स को साथ में चलाए रखने के लिए जो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा, इन दोनों को साथ में चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन होगा उसी को यहाँ पे एफ रिक्वायर्ड कहते हैं। यानी कि द फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप बोथ द ब्लॉक्स मूविंग टुगेदर। क्या बोल रहा हूँ मैं, द फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप बोथ द ब्लॉक्स मूविंग टुगेदर, ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। यानी कि ऐसा फ्रिक्शन फोर्स जो इन दोनों के दोनों ब्लॉक को साथ में चलवा पाए उसी को ही रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, इजी। और अवेलेबल फ्रिक्शन है ना, अवेलेबल फ्रिक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्योंकि आप देखें अगर ए और बी ब्लॉक के बीच में जो म्यू होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि कुछ ना कुछ कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। हो सकता है यहाँ पे म्यू एस हो, तो अगर म्यू एस होगा तो हम यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे, और लिमिटिंग फ्रिक्शन को ही क्या बोला जाता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन। हम जानते हैं ना स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को ही क्या बोला जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो कोई बोले कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है, या कोई बोले कि मैक्सिमम फ्रिक्शन है, या कोई बोले कि अवेलेबल फ्रिक्शन है, इन सब बातों का मीनिंग एक ही है। लिमिटिंग, अवेलेबल और मैक्सिमम, इन तीनों बातों का मीनिंग एक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है अवेलेबल फ्रिक्शन, तो इसका मीनिंग और क्या हो सकता है, दोबारा बोल रहा हूँ, या तो एफ मैक्सिमम या फिर एफ लिमिटिंग, क्लियर। तो यहाँ पे अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन अवेलेबल फ्रिक्शन से छोटा हो जाता है तो ये मूविंग टुगेदर का केस होता है। और अगर दोनों ब्लॉक को साथ में चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा है और अवेलेबल हमारे पास कम है, यानी कि जो फ्रिक्शन अवेलेबल है हमारे पास दोनों ब्लॉक के बीच में, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा वो यहाँ पे वैल्यू छोटी है, और रिक्वायर्ड फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक को साथ में चलाने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है
है ना, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है, अगर ऐसा सीन है तो ये दोनों के दोनों ब्लॉक कैसे चलेंगे, सेपरेटली मूव करेंगे, बस इतनी सी कहानी है। ठीक है भाई, दोनों मैंने आपको दो कंडीशन बताई, एक ये, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इज़ ऑल अबाउट एक्सेलरेशन, दोनों तरफ एक्सेलरेशन की बातें हुई हैं, और जो मैंने सेकेंड कंडीशन बताई है वो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन और अवेलेबल फ्रिक्शन के बीच की बात आपको बताई है। इतनी बात अगर आपके समझ में आई है तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे ना कि टू ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे हम उन्हें केवल तीन स्टेप से सॉल्व करेंगे, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। अब क्या है ये स्टेप, इनको समझें। लेट सपोज कि बी ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, और मान लीजिए कि ए और बी के बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा, मान लीजिए यहाँ पे ज़ीरो है, मान लीजिए कि यहाँ पे फ्रिक्शन, यहाँ तो ज़ीरो हो ही नहीं सकता, यहाँ तो कुछ ना कुछ कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन होगा ही होगा, और यहाँ पे कुछ किलोग्राम में वेट होगा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ किलोग्राम में वेट होगा। ठीक है, तो स्टेप वन क्या होता है, स्टेप वन ये होता है कि अगर आपको कहीं भी इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी म्यू एस की वैल्यू गिवन है तो आप वहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन को कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको कहीं पे भी म्यू के की वैल्यू गिवन है तो आप वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कैलकुलेट करना होता है एफ मैक्सिमम को और एफ के को, अगर कहीं पे क्या गिवन हो, अगर म्यू एस गिवन है तो एफ मैक्सिमम कैलकुलेट कर लें, अगर म्यू के गिवन है तो एफ के को अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर लें, इतनी सी बात है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होता है कि हमें पूरे के पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होता है, और इसका तरीका क्या होता है कि नेट फोर्स अपॉन दी टोटल मास। ठीक है ना, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम इस पूरे के पूरे सिस्टम को एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना भाई, और ये यहाँ पे ये ग्राउंड है नीचे, ठीक है ना, तो मैंने पूरे इस ब्लॉक को, ये जो आपको यहाँ पे ब्लॉक नज़र आ रहा है ना, ये तो मैंने इसको पूरा कंबाइन करके एक सिंगल ब्लॉक में मैंने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लिया, ये इतना पोर्शन मैंने पूरा का पूरा सिंगल मान लिया, और ये कुछ ना कुछ किलोग्राम में होगा, इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स अपॉन दिस टोटल मास, दिस फोर्स अपॉन दिस टोटल मास, तो यही मुझे क्या देगा, नेट एक्सेलरेशन। क्लियर है, अब स्टेप थ्री क्या होता है, स्टेप थ्री सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो हमें इसमें करना है वो है आइसोलेट दी ब्लॉक्स। आपको क्या करना है, आपको ब्लॉक्स को आइसोलेट करना है, ब्लॉक्स को आइसोलेट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे उन ब्लॉक्स का FBD बनाएंगे, FBD का मतलब हम जानते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से बेसिकली हमें क्या करना है, हमें वहाँ पे रिक्वायर्ड फ्रिक्शन को लोकेट करना है, क्या करना है हमें वहाँ पे रिक्वायर्ड फ्रिक्शन को लोकेट करना है, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम होगा। क्या कितनी सी बात बोली मैंने, आइसोलेट कर दीजिए ब्लॉक्स को, आइसोलेट करने का मतलब है कि ये ब्लॉक ए को आप अलग कर लें और ये जो ब्लॉक बी है इसको भी आप अलग कर लें। ठीक है, इसका FBD आप अलग बनाएं और इसका FBD भी आप अलग बनाएं, और दोनों के FBD बनाने के बाद आप उसमें रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स को मार्क कर दें। क्लियर है इतनी बात, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर आपने F रिक्वायर्ड को मार्क कर दिया है तो अब सेकंड स्टेप क्या होता है कि हमें कैलकुलेट करना होता है किसको, F रिक्वायर्ड को, हमें रिक्वायर्ड फ्रिक्शन को अब कैलकुलेट करना होता है, तो एफ रिक्वायर्ड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, जिस ब्लॉक के ऊपर एफ रिक्वायर्ड अप्लाई हो रखा है या जिस ब्लॉक के ऊपर आपने एफ रिक्वायर्ड को मार्क किया है और आप उसी ब्लॉक पे कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो उसी ब्लॉक का मास मल्टीप्लाई बाय दी एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा किसका, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन का। ओके, तो इतना अपने को करना है, ठीक है ना, और ये वही रिक्वायर्ड फ्रिक्शन होगा जो दोनों ब्लॉक को साथ में चलाने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है ना, अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम आ जाती है तो ब्लॉक साथ में चलेंगे, अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज़्यादा आ जाती है तो ब्लॉक्स विल मूव सेपरेटली।
इजी सी कहानी है, कंडीशंस अपने को क्लियर हैं, ठीक है, डायग्राम अपने को क्लियर है, और जो 3 स्टेप मैंने बताए हैं वो भी अब आपको क्लियर हो गए होंगे। बहुत इजीली और स्लोली मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ, और ये सिंपलेस्ट तरीका है जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे सिंपलेस्ट तरीका कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो 2 ब्लॉक का, कोई भी, हम किसी भी क्वेश्चन को इन 3 स्टेप से सॉल्व इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं इस मेथड में, और डायरेक्टली इस पर्टिकुलर प्रोफाइल को, 2 ब्लॉक सिस्टम की प्रोफाइल को हम एग्जांपल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 5 kg का ब्लॉक है और एक 10 kg का ब्लॉक है। इस पे 5 kg के ब्लॉक पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये ग्राउंड है, यहाँ पे स्मूथ है सरफेस, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ रफनेस है। अब देखिए, यहाँ पे सिर्फ म्यू गिवन है, ना कि म्यू एस या म्यू के। तो अगर सिर्फ म्यू लिखा हुआ है तो हम जानते हैं कि म्यू जो है वो दोनों का काम करता है। ये म्यू एस का भी काम करेगा और म्यू के का भी काम करेगा। तो म्यू के भी 0.4 है और म्यू एस भी 0.4 है। इज दैट अंडरस्टूड? चलो, अगर इतनी बातें आपके क्लियर हैं तो अब चालू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो स्टेप 1 क्या था कि हमें म्यू एस अगर कहीं पे गिवन है तो हमें एफ मैक्सिमम निकालना था, यही था। तो यहाँ पे हमें म्यू एस गिवन है, तो मैं इस वाले ब्लॉक को ए बोल देता हूँ और इस वाले ब्लॉक को बी बोल देता हूँ। तो देखिए, जब मैं ए और बी के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालूंगा तो उसको मैं लिखूंगा एफ मैक्सिमम ऑफ ए, और जब मैं ग्राउंड और बी ब्लॉक के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालूंगा तो उसे मैं लिखूंगा एफ मैक्सिमम एट बी, ठीक है ना, क्योंकि ये ए के लोअर सरफेस पे और ये वाला बी के लोअर सरफेस पे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले निकालना चाहता हूँ एफ मैक्सिमम ए, यानी कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन कुछ होगा, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर होगा? 0.4 × 5 × 10, क्योंकि इसके ऊपर अगर अपन देखेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, 5g, यानी कि 50, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो, 1 0 से ये वाला डेसिमल चला जाएगा और कितना आ जाएगा, 5 4 20 न्यूटन। अब ऐसे ही एफ मैक्सिमम एट बी निकालें। तो देखो, अब यहाँ पे बी और ग्राउंड के बीच में तो कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, 0 × 100, तो कितना आ गया, 0 न्यूटन, ठीक है ना। अब देखो, मैं यहाँ पे म्यू जो है ये म्यू एस और म्यू के दोनों का काम कर रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे ब्लॉक ए और बी के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन भी कैलकुलेट करके रख देना चाहता हूँ। अगर क्वेश्चन में काम आया तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही ये रखा रहेगा। तो 0.4 × 50, तो इसका भी आंसर कितना आएगा बेटा, 20 न्यूटन आएगा। ये वाले दोनों आंसर सेम आएंगे, ये बात अपने को समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 मैंने बताया था कि सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इन दोनों के दोनों ब्लॉक को कंबाइन करके एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर लिया, और इस ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर तो 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और अब देखिए, यहाँ पे ये वाला 5 kg और ये वाला 10 kg, ये दोनों के दोनों मिल करके कितने हो जाएंगे, 15 kg। यहाँ पे तो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या आ गया, 0। और अब आप देखो कि ए और बी के बीच में या तो इधर और इधर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स होंगे तो सही, है ना, लेकिन जब हमने अब इस पूरे के पूरे सिस्टम को कंबाइन कर दिया है तो जो भी इंटरनल लेवल पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहे थे तो वो इंटरनल फोर्सेस में काउंट हो गए, और किसी भी सिस्टम पे इंटरनल फोर्सेस का कोई असर नहीं होता। देर इज़ नो इफेक्ट ऑफ इंटरनल फोर्सेस ऑन दी सिस्टम, ठीक है ना, ये बात हमें पता है। तो अंदर लगने वाले कोई फ्रिक्शन फोर्स होंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब देखिए, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया, 50, और इसका टोटल मास कितना है, 15। तो देखिए, 5 की टेबल से कितना हो गया, 10/5 3, ठीक है ना। तो यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम आ गया 3.33 m/s², कोई दिक्कत यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब हम आ जाते हैं किस पे, स्टेप 3 पे। और स्टेप 3 में अब हमें क्या करना था, आइसोलेट करना था बॉडी को। तो मैंने ऊपर वाला 5 kg अलग बना दिया और नीचे ये मैंने बना दिया 10 kg,
और ये बना दिया मैंने यहाँ पे 5 kg। अब देखिए 5 kg पे तो आगे क्या लग रहा है, 50 न्यूटन FBD बनाना है अब अपने को इसका। तो अब आप देखो कि 5 kg के ब्लॉक पे अगर फोर्स आगे लग रहा है तो ये तो आगे की तरफ मूव करेगा, तो ये जो बी ब्लॉक है ये ए ब्लॉक के ऊपर क्या यहाँ पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा, हाँ है ना। और ए ब्लॉक बी ब्लॉक के टॉप मोस्ट लेयर पे फ्रिक्शन यहाँ लगा देगा, ठीक है ना। और ग्राउंड और बी ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन पीछे लगता है लेकिन कुछ है ही नहीं, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब यही FBD अपन यहाँ बना देते हैं। अगर ये वाला ब्लॉक आगे जा रहा है, ठीक है, इफ़ दिस ब्लॉक इज़ गोइंग अहेड, तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, यहाँ, और ए वाले ब्लॉक पे यही रिलेटिव फ्रिक्शन यहाँ, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन था वो तो कितना है, जीरो। समझ में आ रही है बात अपने को, तो अपन यहाँ पे मार्क कर देते हैं इधर की तरफ जो फ्रिक्शन है वही क्या है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। और यही रिक्वायर्ड फ्रिक्शन यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन था मैक्सिमम क्या वो जीरो के बराबर था, ये आया था जीरो अपना यहाँ पे, ठीक है ना, ये 0 न्यूटन है, ठीक है ना। ओके, अब देखो अपने को क्या करना होता है। अब आपके पास एक ब्लॉक तो ये है और एक ब्लॉक ये है, तो अब आपको इन दोनों ब्लॉक में से कोई सा एक ब्लॉक सेलेक्ट करना है, और वो ब्लॉक ऐसा होगा जिस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे सिर्फ एक ही फोर्स हो, और वो कौन सा फोर्स हो, एफ रिक्वायर्ड, यानी कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स। तो देखो ये ब्लॉक पे एक फोर्स ये है और एक ये है, तो इस पे तो दो फोर्स हो गए, लेकिन जब मैं ये वाले ब्लॉक को कंसिडर करूँगा तो इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे सिर्फ एक ही फोर्स है, और उसका नाम है एफ रिक्वायर्ड, क्योंकि फोर्स तो ये भी होगा लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो, तो ये तो होके भी नहीं है, आ रही बात समझ में। तो यानी कि इस ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे एक ही फोर्स है, और वो क्या है, एफ रिक्वायर्ड। तो मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा। सॉल्व तो अपन यहाँ से भी कर सकते हैं, पर ऐसे सॉल्व करना ज़्यादा आसान पड़ता है। तो अब मैंने आपको बताया था एफ रिक्वायर्ड का फॉर्मूला होता है कि जिस ब्लॉक के ऊपर ये वर्कआउट कर रहे हैं, तो अपन ये किसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, 10 kg के ब्लॉक पे, तो यानी कि इसका मास हो जाएगा 10, और इसका जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है वो कितना है, 3.33, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो वही चीज़ अपन यहाँ कर रहे हैं। तो 10 × 3.33 यानी कि कितना आ गया, 33.3 m/s² तो अब, ओ सॉरी, m/s² कहाँ से लिख दिया यार, ये तो फ्रिक्शन फोर्स आया ना, सो दिस इज इन न्यूटन, आई एम रियली सॉरी, ये किस में आया है, न्यूटन में आया है, ठीक है ना। तो अब जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स आ गया है 33.33, तो देखिए ये है रिक्वायरमेंट, क्या है ये रिक्वायरमेंट है। अगर इतना फोर्स हमारे पास है, मतलब इतना फोर्स हमें चाहिए इन दोनों के दोनों ब्लॉक को टुगेदर मूव कराने के लिए, मेरी बात समझ में आ रही है, इनको टुगेदर मूव कराने के लिए हमें कितने फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है, 33.33 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है। अगर इन दोनों ब्लॉक के बीच में इतना फ्रिक्शन लग जाता है 33.33, तो ये दोनों के दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। अब बात आती है अवेलेबिलिटी की, तो ध्यान से देख करके बताएं कि ए और बी ब्लॉक के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन था क्या वो एफ मैक्सिमम ए था, और क्या बेटा इसकी वैल्यू हमारे पास 20 न्यूटन है। तो अब आप इसको कंपेयर करो यहाँ इस वैल्यू से, तो हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 33.33, हमारे पास है कितना, केवल 20 न्यूटन। तो भाई अगर हमें चाहिए 33.33 और है अगर 20, तो हम बाकी का लेके कहाँ से आएंगे, कहीं से भी नहीं लेके आ सकते, है ना। तो जो है वही अपने को अप्लाई करना पड़ेगा, आ रही बात समझ में। तो अब यहाँ पे एफ रिक्वायर्ड की वैल्यू हम 33.33 नहीं लेंगे, इनफैक्ट कितनी लेंगे, 20 न्यूटन, और यही 20 न्यूटन यहाँ भी आएगी, आ रही है आपके पास समझ में। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको लेऊँगा 20 न्यूटन, क्योंकि यही मेरे पास अवेलेबल है, और इस वैल्यू को कंसिडर नहीं करूँगा, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी कितनी ले लूँगा, 20 न्यूटन। तो अब आप देखो कि, अच्छा एक बात और इससे आगे बढ़ने से पहले, यहाँ पे एफ रिक्वायर्ड की वैल्यू जो आ रही है, ध्यान से देख करके बताओ क्या एफ रिक्वायर्ड की वैल्यू बड़ी है एफ मैक्सिमम से, या ऐसा बोलूँ कि एफ रिक्वायर्ड की जो वैल्यू है वो बड़ी है एफ अवेलेबल से, हाँ या ना। और जब जब एफ रिक्वायर्ड की वैल्यू बड़ी होगी, यानी कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन बड़ा होगा मैक्सिमम फ्रिक्शन से या अवेलेबल फ्रिक्शन से, तो क्या ये जो केस बनेगा ये मूविंग सेपरेटली का केस बनेगा,
यही बात मैंने आपको बताई थी, तो आप डिक्लेयर कर सकते हो कि हैंस द ब्लॉक्स आर मूविंग सेपरेटली, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैंने आपको यही बात बताई थी कि अगर जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स है, अगर वो अवेलेबल फ्रिक्शन से या मैक्सिमम फ्रिक्शन से बड़ा हो जाता है, तो ब्लॉक्स कैसे मूव करेंगे? ब्लॉक्स विल मूव सेपरेटली। तो यहाँ पे हो रहा है। और एक और बात देखो, अगर ब्लॉक्स सेपरेटली मूव करेंगे तो क्या जो सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा और जो इंडिविजुअल ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा, क्या ये अनइक्वल रहेगा? है ना। तो अपन यहाँ पे ये बात डिक्लेयर कर दी अपन ने, ठीक है। अब मान लो कि कोई आपसे पूछ ले कि जैसे कि ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, तो अगर कोई आपसे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए पूछ ले और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी पूछ ले, तो आप क्या जवाब देंगे? ठीक है ना। तो इसको अपन अब कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे इस 10 न्यूटन के ब्लॉक पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये हो गया नेट फोर्स और ये हो गया टोटल मास। तो एक्सेलरेशन, ये ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक ए है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी कितना हो जाएगा? नेट फोर्स अपॉन दी टोटल मास, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। और यहाँ पे अपन देखें तो ये आगे लग रहा है 50 न्यूटन और पीछे लग रहा है 30 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स इज 50 माइनस 20, यानी कि 30 न्यूटन। और इसका टोटल मास कितना है? 5। तो ये अपने पास आ गया एक्सेलरेशन ऑफ ए। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 6 30, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसका एक्सेलरेशन आ गया? ब्लॉक ए का। आई आपके बात समझ में? तो आपने देखा कि हमने कितना इजीली 2 ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, ठीक है भाई। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे 10 kg 20 kg के ब्लॉक हैं, फॉरवर्ड फोर्स है लोअर ब्लॉक पे जो कि 90 न्यूटन का है, ठीक है ना। ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये स्मूथ है, ग्राउंड और 20 kg के बीच में जो फ्रिक्शन है वो स्मूथ है, ठीक है, मतलब म्यू की वैल्यू 0 है। और 10 kg और 20 kg के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4। तो अब मैं देखिए इसको डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, ये ब्लॉक ए ये ब्लॉक बी। स्टेप 1 क्या था हमारा? ए और बी के बीच में अगर मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा बेटा? 0.4 × 100, यानी कि 40 न्यूटन। और ए और बी के बीच में अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालूंगा तो क्या वो 0 न्यूटन आ जाएगा? और ए और बी के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन जो निकालूंगा तो क्या वो 0.4 × 100, यानी कि ये भी 40 न्यूटन आ गया। स्टेप 2 पे आए तो सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो मैंने क्या किया, इस पूरे के पूरे ब्लॉक को अब मैंने एक सिंगल सिस्टम बना दिया। तो यहाँ पे इसकी ड्राइंग बना देते हैं। तो अब ये कितने का हो गया? 30 kg का। और इस पे आगे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है 90 न्यूटन, और ग्राउंड से इस पे जो फ्रिक्शन है वो 0 है, इंटरनल फ्रिक्शन तो 0 हो गए, सिस्टम पे उसका कोई असर नहीं हुआ। तो नेट फोर्स हो गया 90 न्यूटन अपॉन द टोटल मास 30, तो एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ लेट्स कम टू स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, इंडिविजुअल ब्लॉक को ड्रॉ कर लेना है। तो ये 10 kg का ब्लॉक मैंने यहाँ बना लिया और 20 kg का जो ब्लॉक है उसको मैंने यहाँ बना लिया, ठीक है ना। और यहाँ पे तो ऑलरेडी 90 न्यूटन का फोर्स लग ही रहा है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे कि ये दोनों के दोनों ब्लॉक हैं और बी ब्लॉक के ऊपर 90 न्यूटन का फोर्स है। तो सोचो जब बी वाला ब्लॉक एकदम से 90 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो रियलिटी में ए ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी वो इस तरफ हो जाएगी, वेलोसिटी बोल रहा हूँ। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि ब्लॉक की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में ही क्या काम करता है, फ्रिक्शन। तो ए ब्लॉक के लोअर सरफेस पे जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन होगा वो पीछे लग जाएगा और बी ब्लॉक के अपर सरफेस पे जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन होगा वो इस तरह से लगेगा। आई बात समझ में? यानी कि जब 20 kg का ब्लॉक 90 न्यूटन से इधर जाएगा तो 10 किलो का ब्लॉक इस तरफ वेलोसिटी करेगा, तो 10 किलो के लोअर सरफेस पे रिक्वायर्ड फ्रिक्शन ऐसे और बी ब्लॉक के अपर सरफेस पे रिक्वायर्ड फ्रिक्शन ऐसे। आई बात समझ में? तो इसी को अब अपन डिनोट कर देते हैं। तो ये इधर की तरफ वेलोसिटी करेगा तो इस पे आ गया रिक्वायर्ड, क्योंकि कई बच्चों को दिक्कत आती है रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की डायरेक्शन देने में, इसलिए मैं इस तरह से एक एक बात आप लोग को बता रहा हूँ। बी और ग्राउंड के बीच में तो जो फ्रिक्शन है वो 0 है, तो उसको 0 ही कर दिया, ठीक है ना भाई। अब फिर मैंने क्या बोला था कि आपको क्या करना है,
दोनों में से उस ब्लॉक को पकड़ो जिस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे एक ही फोर्स हो, और वो कौन सा फोर्स हो, एफ रिक्वायर्ड, तो यही वाला ब्लॉक नज़र आ रहा है, ठीक है ना, तो इसी को पकड़ लेते हैं। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, इक्वल्स टू इसका मास कितना है 10 और सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आया 3, तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया भाई, 30 न्यूटन हो गया। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना आ गया अपने पास, 30 न्यूटन। और ध्यान से देख करके बताओ, क्या मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन तो 40 है और रिक्वायरमेंट कितने की है, सिर्फ 30 की। तो हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो छोटा आया है किससे, मैक्सिमम फ्रिक्शन से या अवेलेबल फ्रिक्शन से, हाँ या ना। और जब जब रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स अ मैक्सिमम या अवेलेबल फ्रिक्शन से छोटा आता है तो ये किसकी कंडीशन होती है, ये होती है मूविंग टुगेदर की कंडीशन, हाँ या ना, यही बात मैंने आपको बताई थी। चलो दोबारा से कंपेयर कर लेते हैं, कहाँ बताई थी सर, देखो जब जब एफ रिक्वायर्ड, एफ अवेलेबल या एफ मैक्सिमम से छोटा आएगा तो ये मूविंग टुगेदर की कंडीशन होगी, और जब जब ऐसा होगा तब तब सिस्टम का एक्सेलरेशन, ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन, सारी की सारी चीज़ें कैसी होंगी, इक्वल, ठीक है ना। तो यही चीज़ अब अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन आंखें मीच करके यहाँ बोल सकते हैं कि ब्लॉक्स मूविंग टुगेदर, ये तो अपन बोल ही सकते हैं। और एक और बात अपन बोल सकते हैं कि जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है वो ए ब्लॉक के एक्सेलरेशन और बी ब्लॉक के एक्सेलरेशन के बराबर होगा। दिस वॉज योर ब्लॉक ए एंड दिस वॉज योर ब्लॉक बी। बट इफ सपोज आपके मन में एक शंका है, दुविधा है कि हमको तो सर ए और बी का एक्सेलरेशन पता करना ही है, तो बिल्कुल अपन पता कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन तो 40 है, चाहिए कितना 30, तो जितना चाहिए उतना ही देंगे, तो इसको 30 चाहिए था 30 ही दिया, तो नेट फोर्स हो गया 30, है ना। यहाँ पे देखिए नेट फोर्स हो गया 30 और इसका टोटल मास है 10, तो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन कितना आएगा, 30/10 यानी कि 3 m/s² आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज 30/10 यानी कि 3 m/s². यहाँ पे देखो इस वाले बी ब्लॉक के लिए देखो, यहाँ पे अप्लाइड है आगे 90 और पीछे रिक्वायर्ड, क्या यही रिक्वायर्ड अब इसको भी मिलेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये वाला रिक्वायर्ड कितना हो गया 30, तो 90 - 30 60 एंड 60/20 इज अगेन 3, तो इसको भी अपन कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये भी कितना होगा 30 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इज 90 - 30/20 यानी कि 60/20 यानी कि 3 m/s². तो देखा आपने यहाँ पे कि जो बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वो भी 3 आ गया, और जो ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वो भी 3 आ गया, और जो सिस्टम का एक्सेलरेशन था वो भी कितना आया 3, ये भी 3 और ये भी 3, सारे के सारे मैच हो गए, हमारी प्रॉपर्टी काम कर गई है, हमारी जो कंडीशंस थी वो काम कर गई। तो कितना आसान है 2 ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाना। अब मैं एग्जांपल 3 पे जाता हूँ, तो आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और एक बार इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो इसका सॉल्यूशन कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो अब अपन आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, तो लेट्स सी कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो स्टेप नंबर 1, फिर से म्यू गिवन है, अब देखो दोनों जगह पे म्यू गिवन है, तो मैं दोनों जगह पे एफ मैक्सिमम निकाल लेता हूँ, एफ मैक्सिमम एट ए, इस वाले ब्लॉक को ए बोल रहा हूँ और इस वाले ब्लॉक को बी, तो कितना आ जाएगा 0.4 × 100 यानी कि कितना आ गया 40 न्यूटन, और एफ मैक्सिमम एट बी तो ये कितना आएगा 0.2 × 10 + 15, कितना हो गया 25, तो 25 × 10, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये और ये कैंसिल आउट हो गया और कितना आएगा 50 न्यूटन आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैं एफ के नहीं निकाल रहा हूँ ऊपर के लिए और नीचे के लिए, क्यों, क्योंकि मुझे पता है देखो म्यू एस भी 0.4 है और म्यू के भी कितना है 0.4, इधर म्यू एस 0.2 है और म्यू के भी कितना है 0.2 है, तो अगर मैं यहाँ एफ के निकालूंगा अभी तो आंसर कितना आएगा 40, और इधर एफ के निकालता हूँ बी के लिए तो आंसर कितना आएगा 50, तो निकालने की ज़रूरत क्या है, कुछ बातें अब अपने को समझ में आनी चाहिए इस तरह से भी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 पे, सिस्टम का एक्सेलरेशन अगर निकालें तो दोनों के दोनों ब्लॉक को कंबाइन कर लिया,
कंबाइन करते से ही 10 + 5 = 15 कितना हो गया 25 kg, और आगे कितना फोर्स लग रहा है 90 न्यूटन, ठीक है ना। यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है 90 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब देखो यहाँ पे ए और बी के बीच में तो जो भी फ्रिक्शन होगा वो तो इंटरनल हो गया तो काम में नहीं आएगा, लेकिन अब इस बार इस क्वेश्चन में पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि ग्राउंड और ब्लॉक बी के बीच में अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। अभी तक तो ये 0 दिया हुआ था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन के लिए 0 नहीं है, इस वाले क्वेश्चन के लिए कितना है 0.2 है। तो यानी कि इस बार अपने यहाँ पे पीछे कितना फोर्स लगेगा 50 न्यूटन का, तो ये लगा देते हैं अपन। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा वो कितना लग जाएगा 50। तो अब ध्यान से सोच के बताओ कि ये जो 50 न्यूटन है, ये जो अपन ने मैक्सिमम वैल्यू निकाली बेसिकली तो लिमिटिंग है, ये स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू है कैसे भी बोल दो। तो ये तो 50 है और अप्लाइड कितना है 90, तो यानी कि ये 90 न्यूटन तो इस पूरे के पूरे 25 kg के ब्लॉक को आगे की तरफ मूव करा जाएगा, ये मूव हो जाएगा ब्लॉक क्योंकि पीछे रोकने की क्षमता हमारी ज़्यादा है नहीं। तो अब ये पीछे क्या हो जाएगा लिमिट, अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा है तो डेफिनेटली पीछे लगने वाला फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, काइनेटिक। तो ये जो 50 अपन ने लिखा है ये किसकी वैल्यू लिखी है, एफ मैक्सिमम एट बी की वैल्यू लिखी है या ये अपन ने एफ के की वैल्यू लिखी है, ये अपन ने एफ के की वैल्यू लिखी है क्योंकि ध्यान से देखो अगर मैं यहाँ पे एफ के भी निकालूंगा तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 50 ही आएगी, तो वही बात अपन ने यहाँ लिख दी। तो अब सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 90 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि कितना है 50 अपॉन टोटल मास 25। तो 90 माइनस 50 इज 40 अपॉन 25, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 की टेबल से गया 8 टाइम और ये 5 की टेबल से 5 टाइम, यानी कि 1.6 m/s². ये अपना आंसर यहाँ पे आ गया, किसका आंसर आया ये एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, क्या करना है स्टेप नंबर 3 में, कुछ भी नहीं करना है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी को आइसोलेट कर दीजिए बस, बाकी सब काम अपने आप हो जाएंगे। देखो ये है अपना 10 kg का ब्लॉक, इसको अपन ब्लॉक ए बोलते हैं, ये ब्लॉक बी ये है 15 kg का, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो है 90 न्यूटन। अब ध्यान से देखो फिर से, जब मैं बी वाले ब्लॉक को 90 न्यूटन के फोर्स से खींचूंगा तो अगेन ए की टेंडेंसी होगी इस तरफ मूव करने की विद सम वेलोसिटी वी, तो ए के लोअर सरफेस पे रिक्वायर्ड फ्रिक्शन ऐसे लगेगा और बी के अपर सरफेस पे रिक्वायर्ड फ्रिक्शन ऐसे लग जाएगा। तो वही चीज़ अपन यहाँ कर रहे हैं, ए की टेंडेंसी इधर है कुछ वेलोसिटी से मूव करने की, तो ए के लोअर सरफेस पर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन यहाँ आएगा और बी के अपर सरफेस पर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन यहाँ आ जाएगा। तो मार्क कर देते हैं इसे, तो ये हो गया रिक्वायर्ड फ्रिक्शन ऑन ए और ये हो गया रिक्वायर्ड फ्रिक्शन ऑन बी, कोई दिक्कत। अब फिर से इन दोनों के दोनों ब्लॉक में से ये वाला ब्लॉक ऐसा है जिसपे एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे केवल एक ही फोर्स है और वो है एफ रिक्वायर्ड, तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू इसका मास कितना है 10 और सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है 1.6, तो ये आ गया हमारे पास 16 न्यूटन। तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो रिक्वायर्ड फोर्स, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स आया है, क्या ये मैक्सिमम फोर्स फ्रिक्शन फोर्स या मैक्सिमम या अवेलेबल फ्रिक्शन जो भी अपन बोलते हैं, क्या ये छोटा आया है। तो यानी कि यहाँ पे ब्लॉक्स कैसे मूव करेंगे टुगेदर, कंडीशन चेक, तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा वही ब्लॉक ए का होगा और वही एक्सेलरेशन ब्लॉक बी का भी होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये जो आया है 40 न्यूटन, ये क्या है मैक्सिमम फ्रिक्शन ही तो है ए और बी के बीच में लगने वाला, ठीक है ना, तो ये ज़्यादा है और ये वाली वैल्यू जो आई है अपनी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की छोटी है, यानी कि दोनों ब्लॉक को साथ में चलाने के लिए हमें कम फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा है, तो ब्लॉक कैसे मूव करेंगे टुगेदर मूव करेंगे, ठीक है ना। तो जितनी ज़रूरत है उतना ही देते हैं, तो इधर 16 अगर दिया है तो इधर भी कितना देंगे 16 ही देंगे, तो लिख लेते हैं कि यहाँ पे भी कितना फोर्स लगेगा 16 न्यूटन ही लगेगा। तो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा नेट फोर्स अपॉन दी टोटल मास, तो यानी कि 16/10 तो कितना आ गया 1.6 m/s². और यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे ब्लॉक बी के लिए भी तो नीचे की तरफ ये लगेगा, तो बेटा ये वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है अपने पास,
ये तो था अपने पास 50 न्यूटन, लेकिन देखो 50 न्यूटन और आगे 90, ये तो इसको आगे मूव करा के लेके जा रहा था, तो इसलिए मैं इसको एफ मैक्सिमम नहीं लिखूंगा, मैं इसको क्या लिख दूंगा, एफ के, क्योंकि एफ के की वैल्यू भी कितनी है, 50 न्यूटन ही है। एफ के की वैल्यू भी कितनी है बेटा, 50 न्यूटन ही है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 50 न्यूटन। तो अब आप देखो 50 न्यूटन प्लस 60 न्यूटन टुगेदर दे विल मेक 66, तो नेट फोर्स एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी कितना आएगा, 90 माइनस 66 अपॉन द टोटल मास, तो ये कितना आएगा, 24 अपॉन 15। 5 की टेबल से देखें तो ए नहीं 3 की टेबल से 8 टाइम और 3 की टेबल से 5 टाइम, तो फिर से कितना आ गया, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हमारी बात यहाँ पे सेटिस्फाई होती हुई नज़र आ रही है, बहुत अच्छा। ठीक है, लिख देना भाई कि ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, है ना, और सिस्टम का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो बहुत इजीली हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी अटेम्प्ट कर लिया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 को अप्लाई करें। ठीक है, तो देख पा रहे हो डेटा सब कुछ, 5 kg 10 kg ए और बी के बीच में, इसको ब्लॉक ए बोल देते हैं, इसको ब्लॉक बी। तो ए और बी के बीच में तो 0.5 है कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन, और बी और ग्राउंड के बीच में 0.4, और इस बार जो फोर्स लग रहा है वो ब्लॉक ए पे लग रहा है। ठीक है ना, तो स्टेप 1 निकाल लेते हैं, एफ मैक्सिमम एट ए, तो कितना आएगा, 0.5 × 50, तो बेटा कितना हो गया है, 25 न्यूटन, क्योंकि इस जीरो से ये वाला पॉइंट चला गया। ठीक है ना, और एफ मैक्सिमम एट बी अगर अपन देखें तो ये कितना आएगा, 0.4 × 10 + 5 = 15, तो 150, तो एक जीरो से ये वाला डेसिमल भी गया, 15 × 4 = 60 न्यूटन। क्लियर है वाली बात। अब आते हैं अपन स्टेप 2 पे, तो स्टेप 2 होता है सिस्टम का एक्सेलरेशन। तो देखो मैंने क्या किया, दोनों के दोनों ब्लॉक को कंबाइन कर दिया, ऐसा हो गया है। अब ये कितने किलो का हो गया, 15 kg का हो गया है, और इस पे आगे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है 50 न्यूटन का। अब एक बात यहाँ पे नोटिस करना कि ये अपन ने यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करके सिस्टम तो बना दिया है ना, आगे की तरफ लग रहा है 50 न्यूटन, लेकिन नीचे की तरफ जो फ्रिक्शन लग रहा है मैक्सिमम, क्या वो 60 न्यूटन का है, ये अपन ने निकाला भी यहाँ पे, है ना। और अप्लाइड कितना है, अप्लाइड कम है, और पीछे लगने वाला फ्रिक्शन क्या है, ज़्यादा, यानी कि ग्राउंड के पास इस सिस्टम को रोकने की क्षमता ज़्यादा है और अप्लाइड फोर्स कम है, तो ये ब्लॉक रुका रह जाएगा। तो यानी कि आप देखो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है 60 न्यूटन, इसका मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0 से 60 न्यूटन के बीच में है। अरे हाँ या ना, है 0 से 60 न्यूटन तक की जितनी भी वैल्यू है वो सब स्टैटिक में काउंट होगी, और स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टेबल नेचर का होता है, ये बात हम जानते हैं बहुत अच्छे से। तो यानी कि ये पीछे लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करेगा और कितना बना लेगा, 50 न्यूटन का बना लेगा, क्योंकि आगे कितना लग रहा है, 50 न्यूटन लग रहा है। ठीक है ना भाई, तो इसीलिए हम यहाँ पे पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन लगाएंगे वो कितना लगाएंगे, 50 न्यूटन, और हम इसको नाम दे देंगे स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो देखो क्या यहाँ पे अब आपको नेट फोर्स जीरो होते हुए नज़र आ रहा होगा, 50 - 50 = 0 अपॉन दी टोटल मास 15, तो 0 अपॉन समथिंग तो कितना होता है, 0 ही होता है, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आ गया भैया, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, इजी। अब आते हैं स्टेप 3 पे, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअली कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं वो भी बता देता हूँ, कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि सर पीछे तो लग रहा है 60, आगे लग रहा है 50, तो वो करते हैं कि सर यहाँ पे जो नेट फोर्स है ना वो माइनस का 10 है और अपॉन कर देते हैं टोटल मास 15, तो उनका जो एक्सेलरेशन आ जाता है वो नेगेटिव में आ जाता है, और ऐसे वो पूरे क्वेश्चन को रॉन्ग तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज़ रॉन्ग अप्रोच, ऐसा मत करिएगा, ठीक है ना, फ्रिक्शन को समझिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में ही स्टेप 3। तो अब क्या करना है, दोनों के दोनों ब्लॉक्स को इंडिविजुअली ड्रॉ कर देना है। कर दिया भाई ड्रॉ, 5 kg ब्लॉक ए, ये है ब्लॉक बी, ये है 10 kg का, यही तो बात है। यहाँ लग रहा है 50 न्यूटन, ठीक है ना, और अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन के डायरेक्शन देखेंगे, अब ये वाला ब्लॉक तो आगे मूव कर रहा है 50 न्यूटन से,
तो बी वाला जो ब्लॉक है वो ए वाले ब्लॉक पे है क्या? पीछे की तरफ रिक्वायर्ड फोर्स लगा देगा फ्रिक्शन, और बी ब्लॉक के अपर सरफेस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिक्वायर्ड फोर्स लग जाएगा, और यहाँ पे तो मैक्सिमम फ्रिक्शन है ही सही अपने पास, या अगर बोल दें तो स्टैटिक है ही सही अपने पास ग्राउंड और इसके बीच में। तो चलिए इसका एबीडी ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे लग गया एफ रिक्वायर्ड, और इधर भी लग गया एफ रिक्वायर्ड, और यहाँ पे तो हमारा जो भी मैक्सिमम फ्रिक्शन है या स्टैटिक फ्रिक्शन है जो भी है वो काम करेगा, ठीक है ना? वैसे तो कितना काम कर रहा है, 50 काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? है तो टोटल मैक्सिमम तो कितना है 60, लेकिन काम कितना कर रहा है, 50 कर रहा है। अब देखो सर, अभी तक तो आप बता रहे थे कि दोनों में से उस एक ब्लॉक को पकड़ो जिसमें एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे एक ही फोर्स हो एफ रिक्वायर्ड। अब यहाँ तो दोनों ब्लॉक के ऊपर दो दो फोर्स हैं, कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं है जिस पे एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे सिर्फ एक ही फोर्स हो और जो एफ रिक्वायर्ड हो। तो ऐसे में क्या करेंगे, देखो ऐसे में क्या करेंगे कि अपने को यहाँ पे दोनों के दोनों ब्लॉक को, हम ये जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम किस नियत से सॉल्व करते हैं, हमारा एजेंडा क्या रहता है, हम यही तो सोच के सॉल्व करते हैं। मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि हम ये चाहते हैं कि दोनों के दोनों ब्लॉक कैसे मूव करें, टुगेदर मूव करें, यही सोच के तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम हमारे प्रोसेस या कैलकुलेशन में इसको टुगेदर मूव नहीं करवा पाए तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये सेपरेटली मूव कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अगर ये टुगेदर मूव कर रहे हैं तो ये अपनी पूरी जान लगा देंगे, जितना भी इनके पास है सब लगा देंगे। तो ए और बी के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो कितना है बच्चों, 25 न्यूटन। तो यहाँ भी 25 न्यूटन लग जाएगा और यहाँ भी 25 न्यूटन लग जाएगा, ठीक है ना? तो देखो अगर ऐसा है तो अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 25 न्यूटन, और यहाँ भी मैं लिख देता हूँ 25 न्यूटन। तो देखो पहले ए के लिए सॉल्व करें, ए के लिए अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो कितना आएगा, 50 - 25/5, तो 25/5 यानी कि 5 m/s² एक्सेलरेशन आ गया। और एक बात और देखो कि यहाँ पे जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो कितने का है, 25 न्यूटन, है ना? कितने का है यहाँ पे, 25 न्यूटन का है। और इस तरह से अपन ने ये कर लिया, चलो ठीक है आगे बढ़ता, रुको कुछ भी नहीं। अब ये अगर 25 न्यूटन इधर है तो यहाँ पे कितना है, 50, तो ये इसको बढ़ने देगा क्या, नहीं बढ़ने देगा। तो बी ब्लॉक तो हमेशा कैसे रहेगा, रेस्ट पे। तो यानी कि यहाँ पे बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0, और ए का कितना हो गया, 5। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अब अपने को क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि ब्लॉक साथ में चल रहे हैं या अलग अलग चल रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि ए का एक्सेलरेशन अलग है और बी का अलग है, तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि ब्लॉक्स आर मूविंग सेपरेटली, और इंडिविजुअल एक्सेलरेशन भी हमने कैलकुलेट यहाँ पे कर लिया है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करने आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 100 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है, 10 kg, 40 kg यहाँ पे ब्लॉक का मास गिवन है। ग्राउंड और बी ब्लॉक के बीच में कोई भी फ्रिक्शन यहाँ पे कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है। ए और बी के बीच में यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है म्यू एस की। अब वैल्यू देखो इस क्वेश्चन में अलग गिवन है और म्यू के की वैल्यू अलग गिवन है, ठीक है ना? इस वीडियो में मैंने यही प्रयास किया है कि आपको अलग अलग प्रोफाइल के क्वेश्चन से मैं मतलब समझा पाऊँ कि भाई अलग अलग प्रोफाइल को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना? तो स्टेप वन क्या होगा, स्टेप वन बताइए। स्टेप वन क्या होता था कि अगर म्यू एस गिवन है तो एफ मैक्सिमम और उन निकाल लेंगे एफ के। तो एफ मैक्सिमम एट ए ये कितना आएगा, 0.6 × 100 यानी कि कितना आएगा, 60 न्यूटन। और एफ मैक्सिमम एट बी ये कितना आ जाएगा, क्या ये 0 आ जाएगा, 0 × 500 कितना आ जाएगा, 40 + 10 = 50, 50 × 10 = 500, और नीचे कोई फ्रिक्शन है ही नहीं तो इसलिए 0 आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखो ए, अब इस क्वेश्चन की अच्छी बात क्या है कि ए और बी के बीच में म्यू एस की वैल्यू देखो अलग है और म्यू के की वैल्यू भी अलग है। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में लगने वाले काइनेटिक फ्रिक्शन को भी हम कैलकुलेट करके रख देते हैं, काम आया तो ठीक अदरवाइज देख लेंगे, ठीक है ना? तो इसलिए मैं यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन एट बिटवीन ए एंड बी को मैं इस तरह से डिनोट कर रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.4 × 100 यानी कि ये कितना आएगा, 40 न्यूटन।
क्लियर। अब आ जाते हैं स्टेप टू पे, सिस्टम के एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों के दोनों ब्लॉक को एक साथ बना दिया। अब ऊपर वाले ब्लॉक पे 100 न्यूटन का फोर्स इस तरह से लग रहा है, ठीक है ना, ये नज़र आ रहा है आपको। ये पूरे के पूरे सिस्टम को मैंने यहाँ पे एक साथ बना दिया और इधर की तरफ 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अब ये टोटल कितने का हो गया, 50 केजी का। क्या नीचे ज़मीन पे जो फ्रिक्शन होगा वो तो ज़ीरो नज़र आ रहा है, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेट फोर्स 100 न्यूटन अपॉन टोटल मास 50। तो कितना आ गया एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड स्टेप पे आ गए, इंडिविजुअल ब्लॉक बना देते हैं। तो ये अपन ने बना दिया 10 किलो का ब्लॉक ए, और इसके नीचे अपन ने ब्लॉक बना दिया 40 केजी का, और इसको अपन ने बोल दिया ब्लॉक बी, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए ब्लॉक पे तो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। अब फिर से समझना यहाँ पे एफबीडी, ए वाला ब्लॉक अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो ए के लोअर सरफेस पे जो फ्रिक्शन लगेगा, और कौन लगाएगा, बी वाला ब्लॉक लगाएगा ए पे, तो ये तो लग गया पीछे। ए के लोअर सरफेस पे एफ रिक्वायर्ड ऐसे लगेगा, और बी के अपर सरफेस पे एफ रिक्वायर्ड ऐसे लग जाएगा, ठीक है। और ग्राउंड और बी के बीच में तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो ये तो ज़ीरो होगा, ठीक है ना। तो देखो ए जा रहा है इधर, तो बी ए के ऊपर इस तरफ फोर्स लगा देगा एफ रिक्वायर्ड, और इसके ऊपर ऐसे लग जाएगा एफ रिक्वायर्ड, और यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो इसको ज़ीरो कर दो, क्लियर है ना। तो करो देखो, यहाँ पे आएगा एफ रिक्वायर्ड, और इधर ये आ गया अपने पास एफ रिक्वायर्ड, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो तो ज़ीरो के ही बराबर है। तो अब यहाँ पे दोनों में से एक ब्लॉक अपन देख सकते हैं जिसपे नेट एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे एक ही फोर्स है, क्या वो यही वाला ब्लॉक है, बी ब्लॉक। तो अब अपन कैसे निकालेंगे, इसी ब्लॉक का मास मल्टीप्लाई बाय दी एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, जो कि कितना है बच्चों, 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ गया, 80 न्यूटन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स आया है वो अवेलेबल फ्रिक्शन से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, अरे हाँ या ना। तो ऐसे केस में ब्लॉक कैसे मूव करते हैं, सेपरेटली, पता है ना अपने को ये वाली बात, कैसे मूव करेंगे ब्लॉक, सेपरेटली, अगर रिक्वायर्ड फोर्स बड़ा आ गया, यानी कि दोनों ब्लॉक को साथ में चलाने के लिए 80 न्यूटन के बल की ज़रूरत है, फोर्स की ज़रूरत है, और हमारे पास है कितना, केवल 60 है, ठीक है ना। तो ये तो नहीं हो सकता है, जितना है उतना ही लगाएंगे। तो अब ध्यान से देखो कि ब्लॉक तो मूव कर ही जाएगा ना, क्योंकि ये बात तो निश्चित हो गई ना कि ये सेपरेटली चल रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि ब्लॉक तो मूव कर ही जाएगा। तो ए वाले ब्लॉक पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये तो मूव करेगा ही करेगा, और दोनों के एक्सेलरेशन कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे अब जो पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो इसे रोक नहीं पाएगा, 60 न्यूटन थोड़ी रोक पाएगा 100 न्यूटन को। तो पीछे की तरफ अब एफ रिक्वायर्ड ना लग करके कौन लगेगा भाई, एफ के, और यहाँ पे भी इसकी जगह कौन ले लेगा, एफ के। क्योंकि अभी तक तो अपन क्या करते थे कि जो म्यू एस की वैल्यू होती थी वही म्यू के की होती थी, तो अगर अपन बोलते थे अच्छा यहाँ पे ये नहीं है तो एफ के आ जाता था, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती थी। यहाँ पे दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो इस बात को समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करना। तो यहाँ पे अब एफ के, एफ रिक्वायर्ड ना लग कर के कौन लगेगा, एफ के, जिसकी वैल्यू कितनी है, 40 न्यूटन। सिमिलरली यहाँ भी ये नहीं लगेगा, कौन लगेगा, एफ के लगेगा यहाँ पे, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 40 न्यूटन। इस वाली वैल्यू को हम काम में नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यही वाला ब्लॉक है जिस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे एक ही फोर्स है, और अब वो फोर्स कितना रह चुका है, अब ये डायग्राम बस इतना ही सीमित रह चुका है, इतने पोर्शन को आप हटा देना, ठीक है ना, इधर भी इस पोर्शन को हटा देना, इधर ये वाला फैक्टर लगा करके या फोर्स लगा के एफ के लिखो, और इसको लिखो 40 न्यूटन। ये हो गया नया डायग्राम, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे इस बी ब्लॉक के लिए देखा तो नेट फोर्स कितना है 40, और टोटल मास कितना है 40, तो इस बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आ गया, 40/40, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस वाले ब्लॉक पे आ जाते हैं, ये 100 है और ये पीछे 40 है, तो नेट फोर्स कितना हो गया 60, और टोटल मास कितना है 10, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए ऐसे निकल के आ गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो ध्यान से देखो, सिस्टम का एक्सेलरेशन ना तो ब्लॉक ए के बराबर है और ना ही ब्लॉक बी के बराबर है, तो ऐसे भी अपन बोल सकते हैं कि दे आर मूविंग सेपरेटली। कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, फिर इसके बाद अपन दो छोटी छोटी ट्रिक्स के बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। जो भी 6 क्वेश्चन अपन ने किए, इसमें दो ट्रिक्स भी आती हैं, वो मैं आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो स्टेप वन अगेन यहाँ पे क्या होगा, अब इसको मैं फटाफट से सॉल्व कर रहा हूँ। एफ मैक्सिमम, इसको ब्लॉक को ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, तो एफ मैक्सिमम ए कितना आएगा, 0.3 इंटू 30 यानी कि 9 न्यूटन, और एफ मैक्सिमम एट बी ये कितना आएगा, 0.6 इंटू 6 किलो और 3 किलो, टोटल कितना हो गया 9 किलो, तो यानी कि 90, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 54 न्यूटन। स्टेप टू, सिस्टम का एक्सेलरेशन, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे ये मैंने बना दिया पूरा का पूरा एक सिस्टम, तो ये कितने किलो का सिस्टम हो गया, 9 किलो का। आगे की तरफ जो फोर्स लग रहा है क्या वो 30 न्यूटन का है, और यहाँ पीछे एक फोर्स लगेगा मैक्सिमम बी वाला, और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 54 न्यूटन। अब आप देखो इस क्वेश्चन में आगे लगने वाला जो अप्लाइड फोर्स है वो है 30 न्यूटन, और पीछे लगने वाला जो फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई है, 54। देख रहे हो यहाँ पे, ये आगे है 30 और ये जो पीछे लगेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है 54। तो ये तो लिमिटिंग वैल्यू है ना, यानी कि 0 से लेकर के 54 तक सारी वैल्यू किसकी हैं, एफ एस की वैल्यू हैं, और ये आप जानते हो कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टेबल नेचर का होता है। तो अप्लाइड अगर 30 है तो ये अपने आप को एडजस्ट करके पीछे कितना बना लेगा, 30 बना लेगा ये, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे पीछे की तरफ रियलिटी में एफ एस काम करेगा जो कि 30 न्यूटन होगा, बहुत छोटा लिख दिया है मैंने, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ एफ एस होगा और ये कितना होगा, 30 न्यूटन होगा। तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0, टोटल मास कितना हो गया, 9, तो आंसर कितना आएगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 हो चुका है, ये वाली बात ध्यान रखना। स्टेप थ्री क्या करना था, इंडिविजुअल ब्लॉक बना देने थे, तो ये 3 किलो का ब्लॉक अलग बना दिया और ये इधर 6 किलो का ब्लॉक अलग बना दिया, इस पे कितना फोर्स लग रहा था, 30 न्यूटन, और यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, मतलब एफ एस तो कितना लग रहा है यहाँ पे, 30 न्यूटन, और एफ मैक्सिमम कितना है यहाँ पे, 54 न्यूटन पर। काम तो ये कर रहा है, ये थोड़ी काम कर रहा है यहाँ, जितना चाहिए उतना ही लगा दिया अपन ने। तो अब ध्यान से देखो, ये है ब्लॉक बी और ये है ब्लॉक ए, तो जब ब्लॉक बी ही अपना रेस्ट पे है तो ब्लॉक ए भी तो मूव नहीं करेगा, ब्लॉक बी भी तो रेस्ट, ब्लॉक ए भी तो रेस्ट पे आ जाएगा क्योंकि ब्लॉक बी रेस्ट पे है। तो इस केस में एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आ गया, 0, और एक्सेलरेशन ऑफ बी भी कितना आ गया, 0, और इन दोनों के दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। आई बात समझ में? तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रोफाइल का क्वेश्चन था, ठीक है। अब जो मैं आपको ट्रिक बताना चाहता हूँ वो ट्रिक क्या है, कि लेट सपोज कि आपके पास ए और बी ब्लॉक हैं, इसका भी कुछ मास होगा किलोग्राम में, इसका भी कुछ मास होगा किलोग्राम में। अब मान लो कि बी ब्लॉक के ऊपर कुछ एफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है या एफ अप्लाइड फोर्स लग रहा है, ठीक है। ए और बी के बीच में तो हम जानते हैं कि कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन हमेशा नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन नॉट इक्वल टू 0 हो, मान लो यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो ऐसे केस में अब देखो, यहाँ पे हमें मासेस के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं करना, हो सकता है इसका मास बड़ा हो छोटा हो कुछ भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, म्यू की वैल्यू से भी हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको तो अगर मान लो कि कुछ इस तरह की प्रोफाइल का क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमको तो कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है। और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ ऐसे कोई पर्टिकुलर सिस्टम में सिस्टम का एक्सेलरेशन अगर 0 आ जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है। और अगर फोर्स कहाँ लग रहा है, सिस्टम का एक्सेलरेशन तो 0 आ गया और फोर्स लग रहा है नीचे वाले ब्लॉक पे, आ रही बात समझ में, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि जो बी वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वो तो 0 है ही है,
साथ ही साथ ए वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा, लिख देना, होगा यही। ठीक है, ट्रिक टू क्या कहती है कि सपोज ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर एफ फोर्स लग रहा है, ए और बी के बीच में कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन नॉट इक्वल टू जीरो, और मान लो यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू जीरो, फिर से वही वाली बात, ये भी कुछ किलोग्राम में, ये भी कुछ किलोग्राम में, ये ज़्यादा हो ये कम हो या ये ज़्यादा हो ये कम हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही म्यू की वैल्यू में भी हमें कोई एक दूसरे से कम ज़्यादा हो, हमें उससे भी कोई लेना देना नहीं। हमें तो बस क्या देखना है, हमें बस ये देखना है कि इफ़ एंड ओनली इफ सिस्टम का एक्सेलरेशन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है, और अगर अपर ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स है वो लग रहा है, अपर ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है और पूरे के पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो ऐसे केस में ए ब्लॉक का तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा लेकिन बी ब्लॉक का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। आई बात समझ में, क्या बोला मैंने, अगर अपर ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है और सिस्टम का एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो ए का एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू ज़ीरो और बी का कुछ ना कुछ होगा। तो अब आप बोलेंगे कि वैसे तो आप लोग मेरे ख्याल से रिकॉल कर पा रहे होंगे, अदरवाइज़ ये जो अपन ने केस लिया है ये कौन सी ट्रिक पे बेस्ड हो गया, देखो ये इस वाली ट्रिक पे, ट्रिक नंबर वन पे बेस्ड हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये वाला जो सवाल है ये ट्रिक नंबर वन पे बेस्ड हो गया, क्योंकि देखो नीचे लग रहा है यहाँ पे 30 न्यूटन का फोर्स और सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, देख पा रहे हो ना, ये 30 न्यूटन का फोर्स और सिस्टम का एक्सेलरेशन ज़ीरो। तो ऐसे केस में क्या होना था, इसका भी एक्सेलरेशन ज़ीरो आना था और इसका भी एक्सेलरेशन ज़ीरो आना था, तो देखो ए का भी ज़ीरो आया, बी का भी ज़ीरो आया, क्लियर हुई बात। फिर अगली ट्रिक जो थी कि अपर ब्लॉक के ऊपर फोर्स हो और सिस्टम का एक्सेलरेशन ज़ीरो आए, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी अपन ने किया है अभी, वो वाला क्वेश्चन ये है कि ये अपर ब्लॉक पे तो फोर्स लग रहा है और सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है ये देखो यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, दिख रहा है आप लोग को, तो ऐसे केस में इसका एक्सेलरेशन तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो लेकिन इसका एक्सेलरेशन क्या आना था, ज़ीरो, और देखो यही आया, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए तो आ गया 5 और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी कितना आया था अपना, ज़ीरो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये ट्रिक नंबर टू पे बेस्ड है, ठीक है ना, ये वाली ट्रिक के ऊपर बेस्ड था। सो आई होप आज मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी मेरी तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, आप अपने कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। सो फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।